हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स की जो डेली टेस्ट की सीरीज़ आपकी चल रही है, उसमें आज टेस्ट नंबर 7 यानी कि टेस्ट नंबर 7 है। और ये जो टेस्ट लिए जा रहे हैं वो आपके लिए IBPS, SBI, LIC, SSC, रेलवे, NDA, CDS जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं उसके करंट अफेयर्स पोर्सन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ये क्वेश्चन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ते हो, आपको सिर्फ यहाँ पर आकर टेस्ट देना है और अपनी तैयारी को जांचना है कि आपने करंट अफेयर्स को कितने मन से पढ़ा है और आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ा जाता है, उसके बाद ऑप्शंस, और आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे ताकि आप अपने क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में टिक कर सकें। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। देखिए, क्वेश्चंस को आप टेस्ट के तौर पर देंगे तो आप अपने आप को भी जांच पाएंगे और आपको हो सके नए क्वेश्चंस भी मिले। और इस वीडियो का PDF लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विथ राय अकेडमी से मिलेगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे IDBI बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं बाला सुब्रमण्यम श्रीराम, रजनीश कुमार, हर्षित मल्होत्रा, विवेक महेश्वरी। IDBI बैंक जिसकी हिस्सेदारी LIC ने खरीदी है, इसके CEO, ओके, इसके MD यानी कि IDBI बैंक के MD और CEO बने हैं बाला सुब्रमण्यम श्रीराम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आई होप आपने आंसर अपनी कॉपी में टिक कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने स्वच्छता अभियान के लिए किस गांव को गोद लिया है? ऑप्शंस हैं जगतपुर, रसमसस, त्रिपुरतीपुर, बल्लारपुर। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने स्वच्छता अभियान के लिए किस गांव को गोद लिया है? ओके, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन जगतपुर, जगतपुर गांव जो कि दिल्ली का एक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान योजना के तहत कौन से राज्य का हवाई अड्डा देश का नियमित सेवा देने वाला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा। नियमित सेवा देने वाला हवाई अड्डा बन गया है उड़ान योजना के तहत, उड़े देश का आम नागरिक। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सिक्किम, सिक्किम का पाक योंग हवाई अड्डा नियमित सेवा देने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये क्वेश्चंस के बारे में डिटेल जानकारी आपको हमारे करंट अफेयर्स वीडियो में बताई जाती है, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत ने सतत जल विकास के लिए किस देश के साथ, यहाँ पर सतत होगा, सतत जल विकास के लिए किस देश के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है? ऑप्शंस हैं उज्बेकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान। सतत जल विकास के लिए किस देश से समझौता या सहमति व्यक्त हुई है? ओके, इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में तेरी सेवा इंद्र 2018 संयुक्त सेना अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? ऑप्शंस हैं भारत और रूस, भारत और जापान, भारत और चीन, भारत और श्रीलंका। यहाँ पर भी करेक्शन होगा, यहाँ पर तीसरी होगा। ओके, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन भारत और रूस, भारत और रूस के बीच इंद्र 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्यिक भवन की आधारशिला कहाँ पर रखी है? ऑप्शंस हैं लखनऊ, चेन्नई, भोपाल, नई दिल्ली। वाणिज्य भवन, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? ओके, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, नई दिल्ली में। और यह पूरी तरीके से पेपरलेस होगा, यानी कि पूरा डिजिटल वर्क इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जल संरक्षण के मामले में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना। जल संरक्षण के मामले में पहला स्थान किस राज्य को दिया गया है? ओके, इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, राजस्थान। पहला स्थान राजस्थान को दिया गया है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के 29 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाया है? ऑप्शंस हैं चीन, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान। 29 उत्पादों पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया गया है। ओके, इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, अमेरिका। अमेरिका के 29 उत्पादों पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पवन सौर हाइब्रिड पावर पॉलिसी लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, गुजरात। पवन सौर हाइब्रिड पावर पॉलिसी, ओके, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, गुजरात। गुजरात ने पवन सौर हाइब्रिड पावर पॉलिसी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस ट्रेन में ट्रेन कप्तान नामक योजना शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वेंकटद्री एक्सप्रेस, युवा एक्सप्रेस। ट्रेन कप्तान नामक योजना किस ट्रेन में शुरू की गई है? चार ऑप्शंस हैं। ओके, इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, वेंकटद्री एक्सप्रेस, जो कि कचमोड़ा से चित्तूर तक चलती है और इसमें ट्रेन कप्तान नामक योजना शुरू की गई है। तो ये टेस्ट नंबर 7 था। आई होप आपने अपने आंसर्स को टिक कर लिया होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चंस के जवाब सही दिए हैं। और आप इस टेस्ट को रेगुलर ज्वाइन करिए, आपके करंट अफेयर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।